कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोटरों को अपने अपने पक्ष में, भैया आईडी हटवाइए ऊपर से, आईडी कर रही है, और मुझे लगता है इस देश के मुसलमान को इनका इनकी असलियत का पता चल गया ऊपर से नीचे, क्योंकि इन लोगों ने झूठ फैला करके पूरे प्रदेश में और देश में आईडी उठाइए अपने आप ऊपर हल्का सा एक बवाल खड़ा करने का काम किया था, लेकिन अब इनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने पा रही। कभी मिसेज प्रियंका वाड्रा जा रही है तो कभी अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, तो यह जो आप आईडी उठाइए हल्का सा ऊपर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, अपनी नौटंकी बंद करें और जनता से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ अगर उनके पास कोई मुद्दा है, मैं तो यह मानता हूं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, अन्यथा सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर जो लोकतांत्रिक तरीके से किसी राजनीतिक दल को अधिकार होता है, हम भी विपक्ष में थे, हमने भी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के खिलाफ, श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, न कभी हमने लोकतांत्रिक तरीके छोड़े और न कभी हमने झूठ और अफवाह का सहारा लिया, सत्य के पथ पर चलते हैं और सत्य के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, और सत्य के आधार पर 2014 जीते हैं, 17 जीते हैं, 19 जीते हैं और 22 भी जनता के आशीर्वाद से जरूर जीते हैं। आरबी के आंकड़े आए, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, महिलाओं के से जुड़े अपराधों में 6% की बढ़ोतरी आई है, आप कह रहे हैं सब कुछ सही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अब अपराधी कोई बच नहीं पा रहा है, कोई संरक्षण नहीं कर पा रहा है, जो कोई अपराध करता है उसका हमारी पुलिस खुलासा कर रही है, और मैं यह मानता हूं कि आज आम जनता सपा के शासन में जैसे जनता भयभीत रहती थी, जनता भयभीत करने दो, वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ के लोग हल कर लेते हैं। सर नोएडा में हत्या हुई, हत्या के बाद वहाँ की जनता सड़कों पे उतर करके आ गई, सर नोएडा की जनता सड़कों पे उतर आई, नोएडा की जनता कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट में खराब हो चुकी है, नहीं कानून व्यवस्था दुरुस्त है और कानून व्यवस्था को लेकर के जब मुद्दे नहीं रहते उसको लेकर के बस समस्या खड़ी करते हैं। आखिर सड़क जनता क्यों सड़क पे आ गई, जनता की जनता आई नहीं हुई पाई अभी पूरी तरीके से, एक इतनी जल्दी खबर खबर करने के लिए जा रहे हो, इतनी बढ़िया सड़कें बना दिया, उसको देखो तो आपको लगेगा कि भाजपा ने क्या है। सर जिले के सीवर लाइन कब तक बन रही है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी जनपद में, घोषणा की गई है उसको समयबद्ध तरीके से पूरा।